हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार आईटीआई के जितने भी छात्र हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत सारे मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित जितना भी आपका क्वेश्चन है, मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि बिहार आईटीआई का जो मॉपअप काउंसलिंग है वो कहाँ होगा। ठीक है, कहाँ होगा, आपके अपने ही जिले में जाना है या फिर पटना जाना, कहाँ, ठीक है, आपका मॉपअप काउंसलिंग कहाँ होगा। फिर हम लोग जानेंगे कितना रुपया लगता है, ठीक है, कितना रुपया लगता है। फिर हम लोग जानेंगे किसका किसका यहाँ पे मॉपअप काउंसलिंग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि उसमें कितना पैसा लगता है। ठीक है, मॉपअप काउंसलिंग में कितना पैसा लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि पटना जाने के बाद, मतलब मॉपअप काउंसलिंग में वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या लगेगा। ठीक है, क्या क्या लेगा जाना घर से, कैसे वहाँ पे आपका एडमिशन होगा, सारा प्रक्रिया आज के इस वीडियो में आपको समझा देंगे। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये सभी समझ लीजिए कि कौन कौन जा सकता है मॉपअप काउंसलिंग में। तो फ्रेंड्स, यह जो है एक लिस्ट जो है बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। तो जिनका जिनका भी रोल नंबर इसमें है वो सभी आपको जानना। ठीक है, उससे पहले बता दें एक और क्वेश्चन है कि बच्चे पूछ रहे थे सर मेरा दो जगह डेट दिखा रहा है। ठीक है, दो जगह डेट दिखा रहा है, एक 7 तारीख का है तो एक 9 तारीख का है, कैसे है, किसी का 8 का, एक 8 का भी है और 10 का भी है, मतलब दो जगह डेट दिखा रहा है, तो आप कब जाना है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यह बहुत ही जानना जरूरी है। अगर आपका दो जगह डेट दिखा रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पहले वाला पे जाइएगा। ठीक है, पहले वाला पे जाइएगा, पहले डेट पे, पहले डेट पे जाइए फ्रेंड्स। एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एडमिशन अगर आपका नहीं होता है, पहले डेट पे एडमिशन अगर नहीं होता आपका, तो फिर जो आपको जो दूसरा डेट दिया जा रहा है उस दूसरा डेट में भी जाइएगा, आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग जानते हैं कि किसका किसका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप सभी को कि जिनका जो फर्स्ट राउंड में मिल गया कॉलेज और वो अपना एडमिशन नहीं करा पाए, कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, या फिर सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला, सेकेंड राउंड में भी कॉलेज मिला लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, एडमिशन उनका नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स उनका 100% गारंटी है कि उनका एडमिशन इसमें होगा। ठीक है, इसमें गारंटी है कि मॉपअप काउंसलिंग में उनका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, आपको जरूर जाना है जो टाइम दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि मॉपअप काउंसलिंग कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, मॉपअप काउंसलिंग आप सभी को IAS संघ भवन, ठीक है, BCEC का जो बोर्ड है, BCEC, ठीक है, यह पटना हवाई अड्डा के निकट है, BCEC बोर्ड, यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, आप गूगल मैप पर सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पर आप चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉपअप काउंसलिंग में कितना पैसा लगता है। ठीक है, मॉपअप काउंसलिंग में कितना पैसा लगता है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स लगभग जो है 1000 या फिर 1100 के समथिंग, मतलब आपको लगेगा 1000 1100 1200, इतना लगेगा, कहने का मतलब 1500 रुपया लेकर जाएगा, इतना मतलब जरूरी है, पैसा बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना पैसा आपको मतलब वहाँ पर लग जाएगा अगर आपको कॉलेज मिलता है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या लाएगा। देखिए ऑफिशियल है, अपने मन से हम कुछ भी यहाँ पे नहीं बता रहे। ठीक है, ऑफिशियल ये नोटिस है। तो देखिए क्या क्या लाएगा, सबसे पहले आपको हार्ड कॉपी रख लीजिएगा, जो फॉर्म भरते समय पार्टी और पटपी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो जो हार्ड कॉपी हो तो फ्रेंड्स उसको रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, मार्कशीट हो गया आपका, औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है, ये मैट्रिक का लगेगा, ये तीनों चीज़ लाएगा। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रतियोगिता मूल प्रवेश पत्र, कहने का मतलब है कि ITI में जो एडमिट कार्ड लगा था, एडमिट कार्ड लग जाएगा ITI वाला, जो एग्जाम देने गए थे वो वाला। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त आप भी प्रमाणित प्रतियां, फोटोग्राफ कहने का मतलब फ्रेंड्स आप फोटो यहाँ पे 6 कहा गया लेकिन आप जो है लगभग 10 फोटो ले जाइएगा, जो एडमिट कार्ड में दिया गया वो वाला फोटो लेके जाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, मूल जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र जो है जरूरी है, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र भी आप लाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र भी लाएगा, तो चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके कॉलेज या फिर कॉलेज या फिर स्कूल से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है SMQ अगर है या फिर EWS का या फिर कोई डिसेबल कोटा के छात्र है तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट लाएगा। ठीक है, अगर कोई EWS में आता है, कोई सर्विसमैन कोटा में या फिर डिसेबल कोटा कोई छात्र है तो वो आपको लाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, RTI CET 2022 के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन, पार्टी और पटपी की हार्ड कॉपी, जो आप फॉर्म भी फॉर्म को फ्रेंड्स अप्लाई किए थे भरे थे तो उसमें आपको कुछ मिला होगा डॉक्यूमेंट जिसको पार्टी और पटपी हार्ड कॉपी कहा जाता है तो वो वहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद रैंक कार्ड तो लगेगा ही, रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे आप सभी तो वो रैंक कार्ड भी लेकर जाना है। उसके बाद वेरीफिकेशन स्लिप, ठीक है, वेरीफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज डाउनलोड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी, बायोमेट्रिक फॉर्म जो होता है, बायोमेट्रिक फॉर्म ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रेंड्स बायोमेट्रिक फॉर्म का जो है लिंक एक्टिव हुआ था, अभी भी लिंक शायद एक्टिव होगा, बायोमेट्रिक फॉर्म उसको निकाल कर आपको, ठीक है, किसी दुकान में जाएगा निकलवा लीजिएगा और उसको जो है भरने के बाद उसको भी लाएगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड आपको जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड के बाद फ्रेंड्स आपको क्या बोल दिए, आधार कार्ड हो गया, फोटो कॉपी हो गया, मतलब सभी का ओरिजिनल उसका फोटो को भी लेकर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर किसी का अगर वहाँ पे एडमिशन हो चुका है पहले,
फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में एडमिशन हो चुका है और वो अपना ट्रेड बदलना चाहते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए जो एक रसीद होता है, जो आप वेरिफिकेशन करवाए थे वहाँ पर जो रसीद मिला होगा वो वाला रहेगा, और जो बोनाफाइड छात्र होने के लिए मतलब जो है अपू साइटिया में जाने के बाद जो है वहाँ से लिखवाना पड़ेगा आपको क्या इनका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास जमा है। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है, उसमें जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स और क्या क्वेश्चन है, तो अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर आपको बता देंगे, ठीक है। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं 9262771105, ठीक है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए, आपका जो भी समस्या है इसको दूर किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।